वेलकम टू द TMPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अकबर बीरबल की एक कहानी जिसका नाम है सर्वाधिक मूर्ख। बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी से बादशाह अकबर को चकरा देते थे। बादशाह सोचते रहते कि कभी तो बीरबल की गलती पकड़ें। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम राज्य के 6 मूर्ख आदमी ढूंढ सकते हो? बीरबल को तो अजीब गरीब आदेश की आदत ही थी। बिना परेशान हुए जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा जहां अपना। दूसरे ही दिन बीरबल नगर की सड़कों पर निकल पड़े 6 मूर्ख ढूंढने। चलते चलते उन्हें एक आदमी मिला जो सड़क पर लेटा हुआ था। पास जाने पर देखा तो वह कीचड़ में फंसा था। जब बीरबल ने उस आदमी से प्रश्न किया तो उन्हें पता चला कि वह कीचड़ से इसलिए नहीं उठ रहा क्योंकि यदि उसने हाथ हिला दिए तो उसकी बीवी ने कपड़े की जो लंबाई बताई थी वह ख़त्म हो जाएगी। बीरबल को उसका पहला मूर्ख मिल गया था। उस आदमी का नाम करीम था। आगे बढ़ने पर बीरबल की नज़र एक घुड़सवार पर पड़ी जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। बीरबल ने जब पूछा कि वह लकड़ी का गट्ठर उसने अपने सर पर क्यों उठा रखा है तो घुड़सवार बोला, यह घोड़ा बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है। अगर मेरी बोझ के अलावा इसे और बोझ उठाना पड़ा तो मर भी सकता है। बीरबल को दूसरा मूर्ख मिल गया था। उस आदमी का नाम हसन था। आगे बढ़ने पर अचानक एक आदमी सामने से दौड़ता हुआ आया और बीरबल को संभलने का समय ही ना मिला और वह आदमी बीरबल से टकरा गया। जब बीरबल ने उसे पूछा तो पता चला वह अपनी आवाज़ के पीछे भाग रहा है। बीरबल ने उसे भी साथ ले लिया। बीरबल को 3 मूर्ख मिल गए थे। चौथे की तलाश में सारा दिन भटकते रहे पर कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा। बीरबल इन तीनों को लेकर राजमहल की ओर चले। अभी तक करीम की बाहें ऊंची ही उठी थी। हसन अपने घोड़े पर बैठा गट्ठर सिर पर उठाए चला जा रहा था और तीसरा आदमी आवाज़ के पीछे दौड़ रहा था। अचानक उनकी निगाह एक आदमी पर पड़ी जो सड़क के बत्ती के नीचे झुककर कुछ ढूंढ रहा था। पूछने पर पता चला उसकी हीरे की अंगूठी खो गई है, पर जहां वह अंगूठी गिरी थी वहां खोजने की बजाय वह उसे वहां ढूंढ रहा था जहां रोशनी थी। बीरबल बहुत खुश हो गए, आखिर उन्हें उनका चौथा मूर्ख मिल गया था। उन्हें लेकर वह बादशाह अकबर के पास गए। अकबर ने देखा और उनके किस्से सुनकर सिर हिलाया और कहा, बीरबल शाबाश, वाकई मूर्खों को पकड़ लाए हो, पर अभी बात पूरी नहीं हुई है। कौन सी हुजूर? बीरबल ने पूछा। बादशाह अकबर ने कहा, मैंने तुम्हें 6 मूर्ख लाने के लिए कहा था, तुम तो सिर्फ 4 लाए हो। बादशाह सलामत, मैंने आपकी फरमाइश पूरी की है। यदि आप नज़र घुमाएं तो आपको 6 मूर्ख नज़र आएंगे, एक आप और एक मैं और ये 4 आप, इसलिए कि आपने मुझे ऐसे मूर्खतापूर्ण काम पर भेजा और मैं इसलिए कि मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करने चल पड़ा। बादशाह अकबर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े और हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप ये स्टोरी पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी फ़ोटोज़ भेज दूँगी। पाठ के बीच में ये जो लाल अक्षर के शब्द हैं ये कठिन शब्द हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है और ये शब्द अर्थ हैं। थैंक यू।